hello students today we will read lesson number 1 of unit 4 from our english reader textbook our quaking planet so let's start reading the chapter we often use the saying as if as in one's house हम अक्सर ये बात कहते हैं कि हम अपने घर में बहुत सेफ़ होते हैं बट आर हाउसेज़ रियली ऑलवेज दैट सेफ़ बट क्या हमारे जो घर हैं वो हमेशा एक सेफ प्लेस होते हैं डोंट समटाइम्स यवर हाउसेज टोपल ओवर कई बार ये भी होता है कि घर जो होते हैं वो गिर जाते हैं वे वट हैपन्स वैन देर इज़ एन अर्थ क्वेक एंड द होल ग्राउंड स्टार्ट्स ट्रेवलिंग तो अब इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि क्या होता है तब जब भूकंप आता है अर्थक् मीन्स भूकंप जब भी भूकंप आता है तो क्या होता है एंड द होल ग्राउंड स्टार ट्रैबलिंग की पूरी की पूरी जो धरती है वो ट्रैम्बल करना शिवर करना मतलब कांपने लग जाती है अर्थक्वेक्स आर मच मोर कॉमन देन मोस्ट ऑफ अस थिंग अर्थक्वेक्स भूकंप जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं मतलब अगर हम इसे एक बहुत अगर हम इसे हाइप करते हैं हम सोचते हैं इट्स अ टैबू नो इट इज़ नॉट इट्स वेरी कॉमन ये बहुत ही कॉमन है इनफैक्ट द अर्थ शेक्स इनफैक्ट द अर्थ शेक्स अबाउट वन सवरी थर्टी सेकेंड वास्तव में जो हमारी धरती है वो थर्टी सेकेंड्स में एक बार जरूर हिलती है वी हैव प्रोबली अ मिलियन अर्थक्वेक्स यही तो पूरे साल में मिलियंस के अंदर जो है वो भूकंप आते हैं मोस्ट ऑफ द अर्थक्स आर सो वीक बट जो ज़्यादातर भूकंप होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं दैट ओनली स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड साइस्मोग्राफ कैन शो दैट एन अर्थक्वेक हैज़ रियली हैपन्ड तो ज़्यादातर तो जो अर्थक्वेक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं तो ये जो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इन्हीं की हेल्प से मतलब अर्थक्वेक्स का पता लगाया जा सकता है कि वाकई में ही ये भूकंप आया था या नहीं ऑन एन एवरेज ओनली वन अर्थक्वेक इज़ अबाउट फाइव हंड्रेड कॉजेज एनी डैमेज अगर एवरेज में हम लगा के चलें कि एक जो भूकंप है एक अर्थक्वेक वो पाँच सौ किसी भी डैमेज किसी भी चीज़ को डैमेज करने के लिए पाँच सौ चीज़ों को लेकर के वो एक कारण बन जाता है बट सम समाइम अर्थक्वेक्स आर सो पावरफुल बट कई बार क्या होता है कि जो अर्थक्वेक्स जो भूकंप होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुलफुल होते हैं दैट दे कैन कॉज हॉरिबल डैमेज और उनकी वजह से बहुत ही हॉरिबल डैमेज मतलब बहुत भयानक वाले डैमेज हो सकते हैं देयर हैव बिन मैनी सच अर्थ क्वेक्स इन हिस्ट्री इतिहास में बहुत सारे भूकंप भी ऐसे हैं जिनके बारे में बताया गया है एन अर्थक्वेक हिट द चाइनीज सिटी इन टेंशन इन नाइनटीन सेवनटीन सिक्स नाइनटीन में चाइनीस एक चाइना की एक सिटी थी जहाँ पे भूकंप आया था इट किल्ड अबाउट थ्री क्वार्टर्स ऑफ अ मिलियन पीपल मतलब इसके अंदर तकरीबन साढ़े सात लाख पचास हजार लोग मारे गए थे एंड अर्थ को हिट द कुछ रीजन ऑफ गुजरात इन इंडिया गुजरात के इंडिया में एक भूकंप था जो कि आया था जिसमें कि कुछ धर्म के कुछ लोगों का इंडिया में नाइन ट्वेंटी सिक्स डैन टू थाउजेंड वन में ये भूकंप आया था इट किल्ड अबाउट ट्वेंटी थाउजेंड पीपल और इसमें बीस हजार लोग मारे गए थे सम टर्मर्स कैन हैपन वेन वलकैनोज इरप्ट और छोटी छोटी वाइब्रेशंस छोटे छोटे जो भूकंप होते हैं वो आते रहते हैं कब वेन वो कैनोज इरप्ट जब वोलैनो क्या है वोलैनो इरप्शन होता है इरप्शन मीन्स थ्रू आउट बर्निंग रॉक्स एंड स्मोक मतलब कि जो रॉक्स हैं उसमें से बांस निकलते हैं दे केन ऑल्सो हैपन वैन देयर इज अ लैंड स्लाइड और ये तब भी आते हैं जब लैंड स्लाइड होता है और वैन द रूफ ऑफ एन अंडरग्राउंड केव फॉल्स इन और जब अंडरग्राउंड की जो रूफ्स हैं मतलब अंडरग्राउंड में जो गुफाएँ बनी होती हैं उनकी दीवारें अगर गिरती हैं बट पावरफुल अर्थ क्यूट्स हैपन वैन वन ह्यूज पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट स्लिप सडनली अगेंस्ट अन पीस बट जो पावरफुल भूकंप होता है वो कब आता है ये तभी आता है जब एक अर्थ का जो क्रस्ट है मतलब कि जो एक हार्ड वाली लेयर होती है वो उसका एक बहुत बड़ा सारा पीस स्लिप होता है कैसे सडनली दूसरे के अगेंस्ट दिस स्लिपिंग में टेक प्लेस डीप डाउन अंडर द ग्राउंड और ये जो स्लिपिंग है ये काफ़ी अंदर तक जा कर के ग्राउंड में उस चीज को इफेक्ट करती है बट द शॉप ट्रेवल्स अप थ्रू द क्रस्ट एंड सेट्स द सरफेस क्विकिंग बट जो शौक होता है वो इस क्रस्ट के थ्रू ट्रेवलअप करता है एंड से द सरफेस क्विकिंग और जो सरफेस है वहाँ पे भूकंप आ जाता है वो हिलना शुरू शिवर करना शुरू कर देता है असीव्ड अर्थक्वेक में सेट ऑफ अ ह्यूज ओसियन वेव कॉल्ड अ सुनामी जब अर्थक्वेक मतलब कि कई बार क्या होता है कि समुद्र के बीच में मे सेट ऑफ ह्यूज ओशियन वेव कॉल्ड भी उसके बीच में जब भी एक ऑसियन के बीच में अर्थक्वेक आ जाता है तो उसे हम सुनामी कहते हैं दीज कैन राइज हायर देन अ हाउस ये इतनी ऊपर तक चली जाती है मानिए एक घर से भी ऊपर ट्रेवल फास्टर देन द फास्टेस्ट ट्रेन और इतनी तेजी से घूमती है जैसे कि ट्रेन तेजी से चलती है ऑन मार्च इलेवन टू थाउजेंड इलेवन मार्च इलेवन टू थाउजेंड इलेवन में अडेडली सुनामी केल्ड ओवर ट्वेंटी वन थाउजेंड पीपल इलेवन मार्च टू थाउजेंड इलेवन में एक सुनामी आई थी जिसमें कि इक्कीस हज़ार लोग मर गए थे कोज वाइज स्प्रेड डिस्ट्रक्शन इन जापान और ये जापान में आई थी और वहाँ पे बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ था बहुत सब कुछ खर खत्म हो गया था